नमस्कार दोस्तों, स्टडी का रेनबो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हर का परिमेयीकरण करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन दिया गया है 8√7 / √3 के हर का परिमेयीकरण करना है। तो इसके लिए जो हर दिया गया है इसी के संयुग्मि से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेना है। तो आइए गुणा करते हैं। यहाँ पर आप गुणा का साइन बना लीजिए, √7 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, संयुग्मि में हम यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यदि यहाँ पर माइनस होता तब जाकर के यहाँ प्लस करते। अब देखिए यहाँ √3 है तो आप यहाँ पर √3 लिख लीजिए। इसके बाद बटा का साइन लगा लीजिए। अब फिर से क्या करना है, इसी से हर में भी गुणा करना है। तो √7 - √3। अब जो है सबको ब्रैकेट में ऑफ कर लीजिए। अब दोस्तों यदि आप 8 का गुणा √7 में करेंगे तो यहां पर देखिए आप लिख लीजिए 8, इसके बाद जो है √7 - √3। फिर से जो है बटा का साइन लगा लीजिए। दोस्तों यदि हम इसे ए मान ले और इसे बी मान ले तो ए जो है ए भी ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। ये दोस्तों उसी फार्मूला के फॉर्मेट में आ गया, a+b (a-b) = a² - b². अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर कहने का मतलब √7² ब्रैकेट में √7² इसके बाद जो है माइनस, फिर से जो है बी का स्क्वायर कहने का मतलब है √3² इसके बाद जो है यहाँ पर आप √3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ 8 है तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए √7 - √3। बटम में √7² यदि हम √7 * √7 करेंगे तो 7 ही हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ √3 का स्क्वायर है, यदि √3 * √3 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, बगल साइड में आपको समझाते हैं। जैसे √7² करना है तो देखिए √7 * √7, इसके बाद क्या करेंगे बड़ा सा रूट बनाएंगे, इसके बाद देखिए 7 * 7, ये पेयर में आ गया तो हम 1 7 को जो है बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों √7² कितना होगा, 7 ही होगा। तो यहाँ पर हम 7 - -3 लिख लिए हैं, इसलिए क्योंकि √7² 7 होता है और √3² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। फिर से यहाँ पर आप लिख लीजिए 8√7 - √3, इसके बाद बटा में 7 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए। अब डियर इसे यदि कोई संख्या कट रही है तो आपको काट के सरल कर लेना है। तो आइए काटते हैं, 4 से ये वाला कट जाएगा, 4 * 4 और 4 * 2 = 8। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 2 ( √7 - √3, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।